निश्चित रूप से मैं ये कहता हूँ कि इनके जैसा जनप्रेमी, कैडर फ्रेंडली कहते हैं कि जो कार्यकर्ताओं के प्रिय होते हैं, कार्यकर्ताओं के लिए जो प्रिय होते हैं, लेकिन ये जनप्रेमी थे। कोई भी दल के लोग या कोई भी सामान्य व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर इनके पास पहुंच सकता था। उनकी समस्याओं को ये बहुत गंभीरता से सुनते थे और उसके निराकरण के लिए हर ठोस कदम उठाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। और उसी का परिणाम है कि एक शिक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है पूरे राज्य में। बहुत सारे इनके ऐसे कार्य, पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक का सम्मान देना, उन्हें उनका मानदेय बढ़ाना, स्कूलों का अपग्रेडेशन, स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के रूप में बहुत सारे स्कूलों को परिवर्तित करना। पिछली सरकार ने जिन स्कूलों को बंद कर दिया था, उन स्कूलों को फिर से चालू करने, खोलने की प्रक्रिया शुरू करना, ये सारे सी बी एस सी मान्यता प्राप्त अब जिला स्कूलों को CBSE स्तर का बनाने का कार्य करना। तो ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े शिक्षाविद भी जो काम नहीं कर सकते थे, इन्होंने वो इतने अल्पकाल में और इतने झंझावतों के बीच, इतनी परेशानियों के बीच भी ऐसे काम इन्होंने किए जो हमेशा झारखंड के इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। आज सुबह इस राज्य के लिए एक बहुत बड़ी दुखद सूचना प्राप्त हुई, जो इस राज्य को एक हमेशा के लिए एक ऐसा शून्य इस राज्य में व्याप्त हो गया कि उसकी कमी नहीं, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। हमारे बीच झारखंड टाइगर के नाम से जाने वाले जगन्नाथ दा, आज उन्होंने अंतिम सांस ली। और इसके पीछे कारण उनकी कर्मठता और राज्य के प्रति जो उनकी सोच, राज्य का विकास, राज्य की जनता का हक अधिकार, यही इन्हें असमय हमारे बीच से छीन लेने का काम किया। काफ़ी कर्मठ थे, अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा बहुत ही जागरूक रहते थे, किसी से छिपा नहीं है। झारखंड बनने के पहले इन्हें झारखंड टाइगर के नाम से लोग जानते थे। इतने लोकप्रिय थे अपने क्षेत्र में कि निरंतर चौथी बार चुन कर आए थे। और हमारे तो पड़ोसी थे, हमें तो गोतिया कहकर संबोधित करते थे। आज हमारे पूरे परिवार में आज पूरी तरह से सभी लोग शोकाकुल हैं, पूरे राज्य की जनता शोकाकुल है। किसी दल विशेष के नेता नहीं थे, वो पूरे राज्य के नेता थे और राज्य के हितों की बात करते थे। आज के दिन हम यही कहना चाहेंगे कि मिस्टर पूर्णिया क्षति को पूरा करना तो असंभव है, लेकिन जो चले जाते हैं उन्हें वापस लाना भी असंभव है। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को चीज शांति प्रदान करे और पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करे। पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार ही नहीं, पूरा राज्य इस दुख की घड़ी में उनके साथ, उनके परिवार के साथ खड़ा है। गया है, सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, सरकारी कार्यालयों के झंडे झुके रहेंगे और उनके सम्मान में माननीय मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है। लेकिन ये सम्मान काफ़ी नहीं होगा हमारे ऐसे व्यक्तित्व के लिए जिन्होंने अपने युवा अवस्था में ही इस राज्य के को अलग कराने के लिए आंदोलन की आग में कूद पड़े और राज्य को अलग कराया, इस राज्य के हित की बात निरंतर करते रहे। शिक्षा मंत्री के रूप में जब इन्हें जिम्मेदारी मिली तो बहुत सारी टिप्पणियाँ भी हुई, लेकिन अपने अनुभव से उन्होंने वो कर दिखाया जो 23 वर्षों में आज तक शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हुआ था।